से शुरू हुआ है ऑटो एक्सपो, जिस पर की लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है। और ऐसे में मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा हटा दिया है। कंपनी 2025 में इस गाड़ी को लॉन्च भी करने वाली है। और मारुति की इस गाड़ी में क्या कुछ खास है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी। इस गाड़ी में क्या कुछ खास है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुशी शर्मा, जो कि वहां मौजूद हैं इस वक्त, लगातार इस पर अपनी कवरेज बनाई हुई है। सुशी बताइए। तो मारुति सुजुकी की पहली ईवी कार आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे अनवील की है ऑटो एक्सपो 2023 में। पहली ईवी है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि कंपनी 2025 में अपनी उतारेगी इंडियन रोड्स पे। अगर इसकी बैटरी पैक की बात करें तो 60 किलोवाट्स की यहाँ पे बैटरी पैक है, जिसमें रेंज जो है आपको 550 किलोवाट्स की मिलेगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने इसको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पे लाया है, एक पूरा डिफरेंट तरीके का प्लेटफॉर्म ये लेकर आ रहे हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो 4300 मिलीमीटर्स इन लेंथ है, इसके अलावा इसकी विड्थ 1800 मिलीमीटर्स है और हाइट जो है 1600 मिलीमीटर्स पे दे दी गई है। 60 किलोवाट की बैटरी पैक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पे मारुति सुजुकी इसको लेकर आएगी। कंपनी का ऐसा कहना है कि लोकलाइजेशन पे भी काफी फोकस करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, पर पहली ईवी मारुति सुजुकी की तरफ से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी की पहली ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये एसयूवी होगी और इससे इसको लॉन्च करने की योजना है 2025 में, जैसा कि सृष्टि बता रही थी। हालांकि ईवी की जो रेस है उसमें मारुति थोड़ी सी पिछड़ जरूर गई है, क्योंकि इसमें लीड ले ली है टाटा मोटर्स ने और धड़ाधड़ वो बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च भी कर चुकी है, भारतीय सड़कों पर वो दिखती भी हैं। मारुति सुजुकी हालांकि अब देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा सुस्त है, और चूंकि ईवी की चर्चा हो रही है, आस्था आपको लगता है कि ईवी वाली जो रेस है उससे मारुति पिछड़ भले ही गई है, लेकिन जो गांव-गांव तक जो पहुंच है, मजबूत जो डीलरशिप का जो नेटवर्क है, तो एक बार ये आ जाता है इनका प्रोडक्ट तो इसको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और क्या शेयर भी उस हिसाब से आपको रीरेट होता हुआ दिखाई देगा, ऐसी संभावनाएं हैं? मुझे तो काफी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वॉल्यूम्स बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने देरी से ये चीज की है, लेकिन जिस तरह से इनका नेटवर्क है, मुझे लगता है कि फायदा कंपनी को वाकई में होने वाला है और वॉल्यूम्स वापस से बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि बढ़िया नए लॉन्चेस तो चल ही रहे हैं, साथ में डिमांड भी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है, चाहे मैं रूरल एरियाज की बात करूँ चाहे मैं अर्बन एरियाज की बात करूं। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से यहां पे अगर लिया हुआ है तो होल्ड रहना चाहिए, स्टॉक में बने रहना चाहिए। ओके, तो मारुति लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स बने रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे।